गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। इस बार हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ विद द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइम। ग्राफ के लिए सबसे पहले आप देखें, ओ पॉइंट से यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर की है, यानी यू इनिशियल वेलोसिटी है। इस यू इनिशियल वेलोसिटी से फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेता हुआ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फाइनल बी पॉइंट तक पहुँचता है, और बी पॉइंट जहाँ तक ये पहुँचता है उसकी वेलोसिटी है वी वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहाँ पर देखें हमारी ये है फाइनल वेलोसिटी वी। ओके, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे यूज़ किया है। ये वाला जो हमारा ओ ई पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, ओ ए बी डी ई। ये हमारा जो ओ ई है ये टी है, टी टाइम। ओके, ये हमारा टी टाइम है। जब हमारा ओ ई टी है तो इसके जस्ट पैरेलल में हमारा ए डी चल रहा है, तो वो भी हमारा कितना होगा, ये टी ही होगा। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, हम जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अपनी जो स्लोप होगा हमारे ग्राफ का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग जो स्लोप जाएगा, स्लोप यानी कि ए बी, ये वाला जो पाथ है इसको हम बोलेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो एक्सीलरेशन जो का जो फॉर्मूला होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। इस स्लोप की वैल्यू होगी डी बी अपॉन ए डी, यानी कि ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी। और ए डी हमारा कितना होगा, जितना हमारा ओ ई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैरेलल डी बी अपॉन ओ ई। डी बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हम कंप्लीट में से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये पार्ट हमारा यू है, तो इसका मतलब ये सामने वाला भी पार्ट हमारा यू होगा, तो ये डी बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वी माइनस यू। ओके, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास में, ये u है, ये पर्टिकुलर v माइनस u है, ये कंप्लीट v है, ये t है, ये भी t है, और ये आपका u है, सारी वैल्यूज है हमारे पास। db की वैल्यू जो है वो e b माइनस b d अपॉन ओ ई, और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे v माइनस u अपॉन t, t को इस साइड में ले जाएंगे, ए टी इज इक्वल्स टू, t को देखें इस साइड में ले गए, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमने किस तरीके से निकाला, हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पुट किया है और फिर फाइंड आउट किया है। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड, सेकेंड के लिए हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। देखें अपने ग्राफ में हम वापस पहुंचते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाला जो कंप्लीट है हमारा ये एरिया है, देखें ये वाला जो है कंप्लीट हमारा एक ट्रेपेजियम बन जाता है। इसमें हम इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, उसके बाद में ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हम इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ए। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का वन बाई टू बेस इंटू हाइट लगा दिया, और यहाँ पे एल इंटू बी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। अब हम देखते हैं थर्ड, थर्ड के लिए फिर से हम ये लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का यहाँ हम पिछली बार हमने क्या किया था, उसको स्प्लिट कर दिया था दो पार्ट में, लेकिन इस बार हम इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाएंगे।
तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, एस इज इक्वल्स टू 1/2, पैरेलल जो साइड है वो ई बी प्लस ओ ए है और डिस्टेंस जो है वो ओ ई है, और जो पैरेलल साइड है वो वी प्लस यू इंटू टी है। यहाँ पे वी प्लस यू बाय टू को हम अलग कर लेंगे और टी हमारा अलग हो गया, और टी के अलग होने के साथ ही हमें टी जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करके और यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, वही सेम ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, टू ए को हम इस साइड में ले जाएंगे तो थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। थैंक यू।